हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे इकोनॉमी फोल्डिंग पावर व्हीलचेयर कॉम्पैक्ट साइज। तो इसको ऐसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं ये जॉयस्टिक आपको इस टाइप से मिलेगा। इस नॉब को आपको थोड़ा सा लूज करके इसको फिटिंग करना है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको आगे पीछे जितना लगे उतना फिटिंग कर सकते हैं। इसको इस टाइप से आपको ओपन करना है, हल्का सा पुश करना है तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं आप सीट बेल्ट भी दिया गया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। और इसका जो बैटरी है वो आपको दिख रहा होगा, ये बैटरी है इसका। इसको इस टाइप से आपको ये कनेक्टर दिया गया है, यहाँ पे ये कनेक्टर से आपको इसको ऐसे कनेक्ट कर देना है। ये देख सकते हैं कनेक्ट हो गया। अब इसको इसके ऊपर आपको हैंग कर देना, लगा देना, टांग देना है जिसको बोलते हैं अपन। तो देख सकते हैं ये हमने यहाँ तक तो इंस्टॉल कर लिया इसको। अब इसका जो फुटप्रेस है आप देख सकते हैं, ये इसका फुटप्रेस है। और इसकी भी एक खासियत है कि जितना आपको अगर कंफर्ट के हिसाब से इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये नॉब दिया गया है, ये नॉब को यूज़ करेंगे आप तो ये आप देख सकते हैं इसमें हाइट एडजस्टमेंट पॉइंट दिए गए हैं, तो आपको जितना कंफर्ट लगे आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। ये नया फीचर है इसमें। फिर से ये दबाओ, फुटप्रेस है, आप देख सकते हैं फोल्डेबल फुटप्रेस दिया गया है इसमें। और इसको इस टाइप से आपको प्रेस करना है, पुल करना है ऊपर की तरफ, और हल्का सा आप इसको मूव करेंगे तो ये फिट हो जाएगा। इसको भी आपको प्रेस करना है, और प्रेस करके इसको ऐसे लगा देना है और हल्का सा मूव करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। और इसमें काप सपोर्ट भी दिया गया है, देख सकते हैं काप सपोर्ट को आपको लगा लेना है। तो ये हमारा व्हीलचेयर फिटिंग हो गया, देख सकते हैं इस टाइप से ये व्हीलचेयर फिटिंग हो गया। और अब इसमें जो है आपका ये रैंप वगैरह पे चलेगा तो उसके लिए ट्रिगर व्हील, छोटे व्हील जो बोलते हैं वो दिए गए हैं। और इसमें जब आपको ये अभी पावर मोड में है, आप देख सकते हैं जब आपको इसको मैन्युअली यूज़ करना है तो इसको आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये मैनुअल मोड में है। देख सकते हैं आप इसको मैनुअल मोड में ऐसे यूज कर सकते हैं। और इसको अगर पावर मोड में करना हो तो इसको वापस आप ऊपर कर दें। ये हमारा पावर मोड में आई है, देख सकते हैं जॉयस्टिक में ये पावर ऑन ऑफ, ये हार्ड, और ये स्पीड आपकी 5 स्पीड है इसमें, 6 5 स्पीड कम ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बैटरी इंडिकेटर है। अब इसका एक टेस्ट ड्राइव हम आपको बताएंगे कैसे आप इसको चला सकते हैं। बेल्ट भी आप लगा, जॉयस्टिक को आप जिस साइड में मूव करेंगे व्हीलचेयर आपका उसी साइड में मूव करेगा। और इस व्हीलचेयर का खासियत है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक है, तो जैसे ही आपने जॉयस्टिक छोड़ा तो ये वहीं लॉक हो जाएगा। स्मूथ राइडिंग है, बहुत स्मूथ वर्क करती है, स्मूथली आप इसको यूज कर सकते हैं। और अभी तो मैं इसको फर्स्ट स्पीड पे ही चला रहा हूँ, आप इसकी स्पीड और बढ़ा सकते हैं। बहुत ही पावरफुल मोटर इसमें लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। अब मैं आपको इसका स्पीड का टेस्ट दिखाऊंगा, मैंने इसका 5 स्पीड
बैक साइड में भी चला सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो बैक साइड में जब जाएगा तो इस पर एक इंडिकेटर बजेगा जो साइन देगा कि अगर पीछे कोई होगा तो वो हट सकता है। ये हमने एक आपको ड्राइविंग लाइट दिखाई है कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, और अब आगे इसको कैसे आप कार में कैरी कर सकते हैं वीडियो में आगे दिखाएंगे। इसको कैसे कार के डिक्की में आप अनइंस्टॉल करके डिसेंबल करके ले जा सकते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। इस टाइप से आपको इसका फुट प्रेस निकालना है, ये देख सकते हैं आप। आपको इसका बैटरी निकालना है, इसको इजीली उठा सकते हैं। 38 केजी वेट है इसका, 38 केजी ये वेट है इसका। ये अब इसके एक दो फोटो भी खींच रहा हूँ। इस टाइप से इसको आप चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग लगा सकते हैं, और ये सिंगल चार्ज में 15 से 18 किलोमीटर का एवरेज देता है। ये पावर पॉइंट में आपको इसको लगाना है तो आप देखेंगे कि ग्रीन रेड लाइट आ रही है, तो जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तब ग्रीन हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये पॉइंट दिया गया इंडिकेटर, ये देख सकते हैं ये ग्रीन लाइट आ गई, जब चार्ज होगा तब ग्रीन लाइट आएगी। चार्ज हो रहा है आपका, ये जब मूव करते रहेंगे तो आपको लगेगा चार्ज हो रहा है पावर में। तो इस टाइप से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, और इसका जो फ्रेम का क्वालिटी है मटेरियल वो भी बहुत हैवी ड्यूटी है। आपने इस टाइप का फ्रेम किसी पावर व्हीलचेयर में अभी तक मेरे हिसाब से नहीं देखा होगा। स्टाइलिश फ्रेम है बिल्कुल एक, और इसमें इस टाइप का दो हैवी ड्यूटी बार दिया गया है। जो हैवी पेशेंट वगैरह भी होते हैं जिनका वेट 110 केजी 120 केजी के आसपास होंगे, तो उसके लिए इस टाइप का व्हीलचेयर डिज़ाइन किया जाता है।